नमस्कार एवरीबडी, दिस इज सपना खंडेलवाल, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ऑथर ऑफ एमेजॉन बेस्ट सेलर अनलीश द शक्ति विदिन, क्रिएटर ऑफ इंडिया साड़ी चैलेंज फेसबुक ग्रुप, को फाउंडर ऑफ देव दिधि फाउंडेशन एंड एन एंटरप्रेन्योर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स डूइंग माई ओन बिजनेस ऑफ रेनोवेटिंग प्रेशियस ज्वेलरी. देव दिधि फाउंडेशन के तहत ये सीरीज चल रही है और इसमें हम वी एम्पावर विमेन टू एम्पावर देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन अवर न्यूमरस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स जो हम रेगुलरली करते हैं. देव दिधि फाउंडेशन हर वर्ग की, हर तबके की और हर उम्र की महिला का सशक्तिकरण करने में मजबूत अपने आप को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और विमेन का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सहयोग देती है. देव दिधि फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन बैंक के भी बहुत सारे एक्टिविटीज करती है और बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरतमंदों को पहुँचाती है. इस COVID-19 के माहौल में देव दिधि फाउंडेशन 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके देने में कामयाब हुई और हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चला रहे हैं. बहुत जल्द आज की सेशन 48 है, बहुत जल्द 50 सेशंस हो जाएंगे और हम एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आप सभी के लिए आ रहे हैं. और आज का हमारा सेशन है व्हाट यू शुड नो अबाउट वेदास एंड उपनिषद. ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते और जिसको जानने से हमारा जीवन बदल सकता है. ऐसा क्या है जो हम करें और हमें हमारे ही संस्कृति, हमारी ही सभ्यता के बारे में जब पता लगे तो हम गर्व से भर जाएं, हम इतने गौरवान्वित हो, हम समझ जाएं, अपने आप को इंफीरियर ना फील करें और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने में और महसूस बनने में कामयाब हो जाएं. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि व्हाट आर वेदास एंड उपनिषद एंड व्हाट वी शुड नो अबाउट दिम, है ना. हमें जितनी मेरी स्टडी हुई है पिछले, अच्छा मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ. मैं पिछले 26-27 सालों से वेद, उपनिषद और भगवद गीता का साइंटिफिक स्टडी कर रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ अंडर माय गुरु दीप्ति जी. तो ये वाला सेशन दीप्ति जी के नाम, उनको नमन और जो कुछ उनसे मिला है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ, निमित्त बन रही हूँ आज, है ना. तो वेद, जब हम बात करते हैं कि वेद है क्या, वेद और उपनिषद है क्या, एक सेकेंड मैं जो लोगों को एडमिट कर रही हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदास, हम सभी ने स्कूलों में नाम सुन रखा है वेद और उपनिषद और उसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं पता, है ना. उसके भी हमें ये पता है कि हाँ चार तरीके के वेद होते हैं. हाँ हमें ये भी पता है कि दे आर द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स, दे आर द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, दे आर द ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड और शायद हमें नाम भी पता होगा उनका. उसके बियॉन्ड हम नहीं जानते ये वेद क्या है और उपनिषद क्या है, है ना. तो आज के सेशन में हम एनालाइज करेंगे कि वेद हैं क्या, वेद, वेदों की जर्नी क्या है, वेद क्या कहना चाहते हैं और हमें वेदों के बारे में क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि जो ये हम हिंदुइज्म बोलते हैं ना, कि हिंदुइज्म जो कल्चर है उसके बुक्स हैं वेद. हिंदू नाम का कोई शब्द हमारे वेद और उपनिषद में नहीं है. हम सनातन धर्म के लोग हैं. सनातन यानी कि एटर्नल, सनातन जो सदा से रहा है और सदा रहता आएगा, सनातन जो किसी देश काल और परिस्थिति में नहीं बदल सकता, वो होता है सनातन, इटर्नल. और धर्म, धर्म इज द वन दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर. धर्म, धर्म इज अ बॉडी जो वैल्यूज ऑफ लाइफ तो बताती ही है परंतु इट इज अ यूनिट, इट होल्ड्स एंटायर यूनिवर्स टुगेदर. अगर धर्म पे चलता रहा, अगर सूर्य अपने धर्म पर ना चले और रोज ना निकले और रोज ना अस्त हो तो आपका जीवन नहीं हो सकता. अगर चंद्रमा अपना धर्म ना करें,
सिमिलरली अगर पृथ्वी रोटेट ना करे और रिवॉल्व ना करे अगेंस्ट द सन, हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। धर्म वो है जो हर एक का अपना एक प्रति धर्म होता है जिसको हम फॉलो करके और अपना जीवन जीते हैं। तो दैट इज जो हमारा ये रिलीजन है, ये जो कल्चर है, ये सनातन धर्म कहलाता था, एटर्नल लाइफ, एटर्नल वैल्यूज, और ये एक तरीका बताता था जीवन जीने का। इसमें कोई पद्धति नहीं बताई हुई कि आपको ये करना ही है और ये नहीं करना है, कोई रिजिड डूज एंड डोंट्स नहीं है। सिमिलरली सनातन धर्म के कोई फाउंडर्स नहीं है, जैसे बुद्धिज्म के हमें पता है गौतम बुद्ध फाउंडर हैं, क्रिश्चियनिटी के हमें पता है जीसस क्राइस्ट फाउंडर हैं, इस्लाम के हमें पता है कौन फाउंडर है, परंतु ये सनातन धर्म इसका कोई पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है। जिन्हें हम वेद कहते हैं, वो वेद जब हमारे ऋषि मुनि बैठते थे गहन समाधि में और गहन तपस्या में, तो उनको कुछ शब्द सुनाई पड़ते थे, उनको कुछ रेवलेशन होती थी, उन्हें कुछ जो सुनाई पड़ता था उसे श्रुति कहा गया था, और श्रुति को हमेशा ओरल लैंग्वेज में, ओरल भाषा में दिया जाता था, श्रुति कभी भी लिखी नहीं गई थी। तो जो हमारे शास्त्र है ना, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति एक वो है जो रिवील्ड हुई है, जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, जो किसी मनुष्य ने नहीं लिखी, जो उन्हें सुनाई दी गई, उनके जहन में आई इन डीप मेडिटेशन, जब वो लोग बहुत शांति से बहुत प्रया उस एक मुकाम पे पहुंच के जब वो तपस्या में बैठते थे, तो उन्हें श्रुति सुनाई देती थी जो वो ओरली बताते थे। तो हमारे वेद आते हैं श्रुतियों में। हमारे वेद इज एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ वर्क। ये जो चार भागों में ये वेद बटे हैं, ये जो चार की क्लासिफिकेशन हुई है, ये बाद के कालों में हुई है। जब ये बॉडी ऑफ वर्क इतना एक्सटेंसिव होता चला गया, जब ये इतना बड़ा होता चला गया, और इसके ऊपर कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने बैठ के जब कमेंट्रीज लिखी, तो जो कमेंट्रीज उन्होंने लिखी है वो इसका हिस्सा बनती चली गई, और जब ये बहुत बड़ा होता गया तब इसको चार भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है ऋग्वेद। ऋग्वेद एज दे से इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट, इज द ओल्डेस्ट नॉलेज, वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। सब लोग इसे डेट करने की कोशिश कर चुके हैं, सब लोग, सारा विश्व लगा हुआ है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस ऑफ वेद। और हम और हमारे कल्चर में हमें हमारे वेदों की रेलेवेंस नहीं पता। एनीवे, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। और ये तो हम सभी को पता ही है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो जो जो बेसिकली जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, और हम सोचते हैं कि हमें हिंदू क्यों कहते हैं लोग, हमें हिंदू इसीलिए कहा गया क्योंकि किसी समय सिंधु नदी यहाँ पे बहती थी, और सिंधु नदी की तरफ हम लोग थे। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू कहते कहते फिर वो हुई इंडस, द रिवर सिंधु बिकेम इंडू, इंडू से इंडस, देन इट बिकेम इंडोय, एंड वी बिकेम इंडियंस, एंड आवर कंट्री बिकेम इंडिया। तो ये मिसप्रनाउंस होते 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 सिंधु नदी से हिंदू, हिंदू से इंडस, इंडस से इंडो इंडिया, ये रही है हमारी जर्नी। हम हिंदू इसीलिए कहलाते हैं। धर्म और सनातन के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही था, उसके बियॉन्ड जब हम चलते हैं, तो ये मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं अपने इस पे जा रही हूँ। अच्छा, ये नहीं चल रही, एनीवे चलिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर जब आते हैं, जब ऋग्वेदों की बात आई, तो स्क्रिप्चर्स के बारे में जब भी बात आती है ना, हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आज का सेशन हम क्यों ले रहे हैं, आज का सेशन में आप लोग क्यों आए हैं।
आप लोग अपनी नींद खराब करके इस समय दोपहर के समय ये सेशन लेने आए हैं। क्यों? जब भी हमें हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी पता करना होता है, किसी भी धर्म के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ऋषि मुनि महात्मा के पास जाते हैं, वो पहला पड़ाव है, या दूसरा हम उस धर्म की बुक्स को उठा के पढ़ सकते हैं, या तीसरा हम उन ऋषियों की जीवनी पढ़ सकते हैं। तो स्क्रिप्चर्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपको अपने आप से जोड़ने के लिए। जब से एंशियंट मैन पैदा हुआ, उसने अपने आप को एक शरीर में पाया, उसने अपने आप को शरीर में पाया और जब देखा तो वहां पे इट वॉज हिम एंड इट वॉज द वर्ल्ड। अब उस इंसान को ये नहीं पता था कि वो कैसे जिए, क्या करे, पर उसे ये पता था कि तत्व जो है, जो बहुत भारी भी हो सकते हैं, अगर वायु बहुत तेज चलती है तो वो ढंग से जी नहीं सकता, अगर सूर्य नहीं निकलता है तो वो जी नहीं सकता, अगर जल नहीं है और धरती नहीं है तो उसकी लाइफ नहीं है। जब उसे समझ में आ गया कि ये जो पांच तत्व हैं, इन्हीं के ऊपर उनका जीवन बेस्ड है, तो उसने इनके प्रति श्रद्धा दिखाने की कोशिश करी, इनके प्रति आदर सम्मान दिखाने की कोशिश करी और बहुत उसके मन से आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दुआएं निकली जो हिम्स बने और जो हमारे मंत्र बने। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सारी जो पांचों तत्व हैं उनके प्रति प्रेज है, उनके प्रति आदर सम्मान दर्शाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंसान समझ चुका था इनके बिना जीवन नहीं है। जैसे कि हम आज लॉकडाउन में बैठे हैं और हम समझ चुके हैं कोरोना के पीरियड में कि बहुत कुछ है जो एक छोटा सा वायरस ने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तो जो इंसान है वो अकेला कभी नहीं जी सकता, वो जो इंसान है वो सभी का प्रोडक्ट है, और अगर ये जो बाहर के तत्व हैं ये ठीक से नहीं बैठते तो इंसान का जीवन नहीं हो सकता। अभी हाल में ही 2-4 दिन पहले आपने देखा था कैसे टिड्डियां, लोकस्ट, किस तरीके से लोकस्ट स्वॉर्म्स आए और पूरा दहशत में डाल गए। जयपुर का था ना वो विवरण देखा था, कल दिल्ली में सब कह रहे थे कि लोकस्ट का अटैक होने वाला है। तो मनुष्य उस समय से जानता था कि अगर ये पांचों तत्व ठीक नहीं रहेंगे तो वो जीवन जी नहीं सकता ठीक से, इसीलिए वो उनकी पूजा भी करता था, इनकी प्रार्थना करता था, इनकी अर्चना करता था, और इसीलिए ऋग्वेद में सारे इनके लिए हिम्स लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं यजुर्वेद के ऊपर। यजुर्वेद इज द वेद ऑफ एक्शन। जिस तरीके से सारे मंत्रों को ऋग्वेद में बताया गया था, यजुर्वेद में उसी तरीके से क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके की यज्ञ की ऑल्टर होना चाहिए, कितने ब्रिक्स लगने चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए, किस हाथ से अर्पण करना चाहिए, क्या आपके अंदर की बॉडी में होना चाहिए और क्या आपके बाहर होना चाहिए कि सामंजस्य से बैठ सके। क्योंकि जो हमारा पुरातन पुरुष आदमी थे वो समझ गए थे कि इन तत्वों के बिना वो कुछ भी नहीं है, तो उसने सब कुछ ऐसा किया कि इन देवताओं को प्रसन्न करके वो अपना जीवन ठीक से जी सके। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि इनके साथ सामंजस्य बैठा के ही वो जीवन जी सकता है, इनको विरोध में करके, इनसे अलग चल के वो जीवन नहीं जी सकता, जैसे हम अब समझ रहे हैं। हमने पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे पिछले 30 इयर्स में हमने बहुत डिस्ट्रक्शन मचाई है। ह्यूमन काइंड ने इतना तहस नहस मचाया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस होड़ के माध्यम से, कि और धन कमा लें, और पैसा कमा लें, कुछ और हासिल कर लें। हम लोगों ने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने जीव जंतुओं को ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने एयर पोल्यूशन कर दी, हम लोगों ने, इसमें हम सब शामिल हैं, हम लोगों ने जब इस तरीका का डिस्ट्रक्शन किया तो अब देखिए कोरोना आपके सामने है ना। तो जब इस तरीके का वातावरण होता है तो यजुर्वेद में बताया गया है कि क्या वो पद्धति है जिन पे चल के आप जिन देवताओं को, जो पांचों तत्व हैं, ऋग्वेद में सारे वर्णन है इंद्र के लिए, वरुण के लिए, जल के लिए, सूर्य के लिए, अग्नि के लिए,
तो इनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और इनको अपने अनुरूप कैसे बना सकते हैं, यह है यजुर्वेद का वर्णन, यजुर्वेद का मेन टेक्स्ट। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में है नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस। हमारे ये जो क्लासिकल डांसर्स है ना, ये क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स है, ये सब सामवेद से आते हैं। जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, इसको सामवेद में मेलेडी दी गई है। इनको शास्त्रों के गायन, शास्त्रों का नृत्य किस तरीके का होता है, किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब सामवेद में आता है। और अथर्ववेद में है द नॉलेज ऑफ साइंस, द नॉलेज ऑफ मैजिक। सो इफ यू गो थ्रू ऑल द वेदास, यू गेट अ कंप्लीटली होलिस्टिक व्यू। ओके, अब मैं आती हूँ कि ये वेदों का अरेंजमेंट किस तरीके का है। हर वेद, ये चार वेद हैं, हर वेद चार तरीके से कंपाइल्ड है। जैसे मैंने बताया था कि वेद कभी भी किसी पुरुष ने नहीं लिखे, वेद रिवील्ड थे जो श्रुति के द्वारा, सुनने के द्वारा और ओरल ट्रेडिशन से, शिष्य गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसे चलता रहा हजारों साल तक, ये सिलसिला चलता रहा, है ना। तो जब हमारे ऋषियों ने बैठ के इनके ऊपर कॉमेंट्रीज लिखी, तब उन्होंने जब और सूत्र लिखने शुरू करे, तो वो भी वेदों का मटेरियल बनता चला गया। और जब ये वेदों का मटेरियल बनता चला गया, ये इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क हो गया। जैसे ऋग्वेद में 10,000 मंत्र है, इसी तरीके से अलग अलग वेदों में अलग अलग, तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पुस्तकें भर जाए, इतना मटेरियल है। ये चार भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन आता है संहिता। संहिता हर वेद में है, ऋग में भी होगा, सब वेदों में संहिता पोर्शन है। सेकंड पोर्शन होता है ब्राह्मणा, थर्ड पोर्शन है अरण्यक, और लास्ट पोर्शन है उपनिषद, जो हमारे इस टॉपिक का आज का हिस्सा है। तो हर वेद चार हिस्सों में बटा हुआ होता है, ब्राह्मणा, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मणा में इस तरीके का विवरण है कि क्या चैंट्स होते हैं, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये सब वेदों के शुरू के पाठ उसी के लिए बने हुए हैं। संहिता पोर्शन में, ब्राह्मणा में है कि कैसे करना चाहिए, ऑन हाउ टू डू, बेसिकली गिविंग यू अ टेक्निक, किस तरीके से, जैसे साइंस कोई इक्वेशन एस्टैब्लिश करती है, कोई थ्योरी को पोस्टुलेट करती है, फिर वो आपको स्टेप्स बताती है कि इन स्टेप्स पे आप चलेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली जो ब्राह्मणा पोर्शन है, वो आपको बताता है कि अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कर लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, निश्चित आजमाया हुआ रिजल्ट है। परंतु हुआ क्या, जैसे देखिए, अगर अगर मुझे आपको केमिस्ट्री का सेशन देना हो तो मुझे केमिस्ट्री के वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, अगर मुझे बायोलॉजी का सेशन देना हो तो मुझे सारे बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे ना। सिमिलरली वेदों की भाषा समझाने के लिए आपको वैदिक वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। और हुआ ये कि हम सब अपनी भाषा को, अपने वर्ड्स को समझ नहीं पाए, हम सबको लगा ये आउटडेटेड हो गई, रिडंडेंट हो गई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये खोते चले गए। पर ब्राह्मणा पोर्शन में हाईएस्ट नॉलेज दी गई है, उस तक पहुंचने के स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आप अगर इन स्टेप पे चलेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अरण्य पोर्शन में ये एस्टैब्लिश्ड है, ये सनातन धर्म जो कल्चर है इसमें बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश था कि मनुष्य का जीवन सिर्फ पैदा होके, बच्चे पैदा करके, कुछ थोड़ा बहुत कमा के और बूढ़ा होके मर जाना नहीं है। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है और बहुत बहुत प्रयत्नों के बाद मिलता है। शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियों में से निकल के तब मनुष्य का जीवन मिलता है। तो अरण्य पोषण वो है जब एक मनुष्य समझ जाता था कि अब वानप्रस्थ का स्टेज आ गया है, ये जो सब कुछ है जो उसने यहाँ पे हासिल किया, ना तो वो लेके आया था और ना वो लेके जाएगा, ये यहीं का यहीं रहने वाला है। तो वो अपने डायरेक्शन ऑफ लाइफ को बदल के और मेडिटेशन में और तपस्या में बदल देता था। जब तब वो जाके गहन फॉरेस्ट में या माउंटेन्स पे बैठ के तपस्या करते थे और उन्हें मेडिटेशन के दौरान जो नॉलेज मिलता था,
वो नॉलेज अरण्यक पोर्शन में है। तो मेनली जो हमारे उपनिषद है ना वो हर वेद के अरण्यक भाग में आते हैं। उसके बाद चौथा भाग है वेदों का उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है, वेदों का अंत। कल मैंने परसों कहीं सेशन लिया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि उपनिषद कहाँ पाए जाते हैं, उपनिषद क्या अलग बॉडी ऑफ वर्क है। तब आई रियलाइज कि हम लोगों को ये भी नहीं पता कि उपनिषद कहाँ स्थित होते हैं, उपनिषद क्या है। इन एनी केस उपनिषद इज जैसे वेद बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, वो डिफाइंड नहीं था, उसको कुछ ऋषियों ने डिफाइन किया। सिमिलरली उपनिषद हर वेद, जैसे आसमान में तारे छिपके हुए होते हैं ना, उसी तरीके से उपनिषद है जो हर वेद में कहीं ना कहीं है। परंतु हमारे ऋषियों ने आइडेंटिफाई करा कि इस वेद का मंत्र नंबर सपोज 101 से लेके मंत्र नंबर 140, ये भाग इट होल्ड्स द हाईएस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड, इसके बियॉन्ड कोई फिलॉसफी हो नहीं सकती। तो उन्होंने उतने पोर्शन को उपनिषदों का नाम दिया। तो हमारे उपनिषद इस तरीके से बने। कहते हैं कि 108 उपनिषद थे, परंतु होते होते सृष्टि के काल से चलते चलते लुप्त होते चले गए। अब हमारे पास 11 उपनिषद हैं, 10 से 12 के बीच में है जिन्हें हम प्रिंसिपल उपनिषद बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। और वो भी इसीलिए हमें अवेलेबल हैं कि आदि शंकराचार्य ने उनके ऊपर भाष्य लिखा है। अब कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो बहुत छोटे हैं, जो आपके एक A4 साइज शीट पे भी आ सकेंगे, यानी 10 या 12 मंत्र ही हैं। और कुछ इतने बड़े उपनिषद, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है ईशा उपनिषद, ये इतनी सी पतली सी है ईशा उपनिषद, इसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं, सिर्फ 10 से 12 मंत्र के बीच में ईशा उपनिषद है। और दूसरी तरफ ये है बृहद अरण्यक उपनिषद, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बॉडी ऑफ वर्क उपनिषद है। तो आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के ऊपर कमेंट्री लिखी। आदि शंकराचार्य ने जब उन्होंने अपनी गहन तपस्या में बैठ के जब उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्म कहीं खोसा चला जा रहा है, ये सनातन धर्म की हानि हो रही है, तब उन्होंने बैठ के इसे इकट्ठा करने की कोशिश करी। और छोटी सी अल्प आयु में 32 इयर्स में तो वो चले गए थे, उससे पहले उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। तो जैसे ये भगवद्गीता है, भगवद्गीता पर मैं बाद में आऊंगी, भगवद्गीता है, ये शंकर भाष्य है, ये आदि शंकराचार्य ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है। वेदों की भाषा इतनी गूढ़ थी कि उस समय के वैदिक एज के लोग समझ जाते थे, परंतु वेदों को अनंत काल हो चुका है, हम कहते हैं अनंत काल हो चुका है, यूरोपियंस वगैरह कहते हैं कि कम से कम 5000 साल पुराने हैं, दैट्स व्हाट दे से। बट उन्हीं की स्टडीज में ये भी आया है कि कम से कम 1,00,000, 3,00,000, 5,00,000 साल पुराने हैं, कोई भी इसे इसकी एजिंग को एस्टैब्लिश अभी तक नहीं कर पाया है ना। तो वेदों जो हम बात कर रहे थे, तो शंकराचार्य ने इनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। तो ये जो प्रिंसिपल उपनिषद हम कहते हैं ना, ये सब वेदों के ही भाग हैं। जैसे यजुर्वेद में 6 उपनिषद पाए जाते हैं, ऋग्वेद में 1 उपनिषद पाया जाता है, सामवेद में केणो उपनिषद पाया जाता है, इसी तरह अलग अलग उपनिषद 108 उपनिषदों में से 11 या 12 अवेलेबल हैं, बाकी खो चुके हैं। वो 11 या 12 इन वेदों में ही पाए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे ग्रंथों की, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो उसमें 2 तरीके की स्क्रिप्चर्स होते हैं, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति ग्रंथ जब आते हैं तो उसमें होते हैं वेद और उपनिषद, और स्मृति ग्रंथ हम बोलते हैं, स्मृति क्यों बोलते हैं, जो याददाश्त से जो मनुष्य के द्वारा लिखे हुए हैं, और जो मनुष्य एक दूसरे को बोल के और जो लीनिएज चली जा रही है उनको हम कहते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ वो हैं जिन्हें हम पुराण कहते हैं, जिन्हें हम उपवेद, इसी तरह वेदों, पहले हम वेद की बात खत्म कर लेते हैं, वेदों में ही के ही पोर्शन है उपवेद, जिन्हें हम
ज्योतिष कहते हैं या जिन्हें हम कहते हैं वास्तु शास्त्र या जिन्हें ये सारे उपवेदों में आते हैं, उपवेदों का हिस्सा है। उपवेदों में धनुर्वेद आता है, उपवेदों में आयुर्वेद आता है, उपवेदों में गंधर्व वेद आता है, उपवेदों में शिल्प वेद आता है। तो वेद हमारे जो बॉडी ऑफ सिर्फ हाईएस्ट नॉलेज के ही नहीं थे, परंतु ये एक जीवन जीने का तरीका बताते थे। तो उसी में हर तरीके की साइंस इन वेदों में है, परंतु वो लोग नहीं बचे जो उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे सागर में डूब के मोती निकालने वाला चाहिए, सिमिलरली इन वेदों में जाके, इन वेदों में घुस के, इसमें से आइडेंटिफाई करके और वो मोती निकाल के, और जो अपना जीवन बदल सके, उस शैली पे चल सके, वो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। हुआ क्या कि हमारी कंट्री में लॉन्ग इन्वेजन्स रहे पिछले 1000 सालों से, तो हम इन्वेडेड ही रहे हैं, कोई ना कोई हमारा रूलर बनता रहा है, अंग्रेजों के पहले मुगल्स, मुगल से पहले कोई और। तो जब इतना लंबा इन्वेजन का पीरियड आ जाता है, तो एक जो एक देश होता है, जो एक कंट्री होती है, उसके ऊपर जब अलग 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 रूलर्स आते चले जाते हैं, और कोई उसको यहाँ घुमाता है और कोई उसको वहां घुमाता है, तो आप स्वयं अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाते। आप अपने ही शास्त्रों से, आप अपने ही कल्चर से दूर होते चले जाते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा हुआ अंग्रेजों के आने से। उससे पहले तो जितने भी रूलर्स हमारे देश में आए, वो बहुत कुछ हमारे साथ एसिमिलेट होते चले गए। हम उतना नहीं कभी भी बदल पाए थे जितना ये 150-200 साल अंग्रेजों के रूल ने हमें बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा कपड़े पहनने का तरीका, हमारा व्यवहार का तरीका, हमें अपनी इंटरनल सोच पे इस कदर उन्होंने हमको रूल करा कि सब कुछ जो हमें लगता था हमारा अपना, वो सब कुछ को हम बहुत खराब समझने लगे। अपने आप को हम ओल्ड फैशन समझने लगे, अपने आप को हम रिडंडेंट समझने लगे, और हम इतने वेस्टर्नाइज होते चले गए। और ये एक बहुत सोची समझी हुई उनके तरकीब थी। एक छोटा सा मुट्ठी भर का देश इतने करोड़ों लोगों के ऊपर राज कर पाया, वो भी इतनी दूर से, क्योंकि वो बहुत सोची समझी हुई प्रणाली के तहत चल रहे थे। जब वहां के मकौले आए यहाँ पे, यहाँ का एजुकेशन, वो एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे वहां पे, एजुकेशन का सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए, तब उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पे हर गांव में, एवरी विलेज हैड इट्स पाठशाला, हर जगह स्कूल्स थे, हर जगह, और हमारी शिक्षा की पद्धति बहुत स्ट्रॉन्ग थी, चली आ रही थी वो वैदिक काल से, पर गुरु शिष्य की परंपरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और जिस तरीके के वेद बताते हैं, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त, और सारे सारे गांव और पूरा हिंदुस्तान उसी पद्धति पे चलता था मेजरली। जब मकौले यहाँ पे आए, और चाहे हम अपने अलग अलग रूलर्स के अंडर थे, परंतु रूलर्स भी बहुत अच्छे, इन द सेंस प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं करते थे, तभी हमारे देश में इतने आर्ट, इतना कल्चर, इतनी संस्कृति, इतने शास्त्रीय गान में, नृत्य में, हर चीज में हम लोग पराकाष्ठा पे थे। जब यहाँ पे इतने स्कूल्स थे, इतनी पाठशालाएं थी हर जगह, तब इंग्लैंड में मुट्ठी भर स्कूल थे और सिर्फ रईसों के बच्चे पढ़ते थे, और वहां पे शिक्षा का कोई सिस्टम नहीं था। जब मकौले ने अपने यहाँ के पेपर्स वहां पे प्रेजेंट करे, तब ये पाया गया कि अगर हिंदुस्तान को रूल करना है, तो हिंदुस्तानियों को बताना होगा कि तुम्हारा सब कुछ प्रिमिटिव है, तुम्हारा सब कुछ सुपरस्टिशन है, तुम्हारा सब कुछ कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप को रूल नहीं कर पाते।
हजारों साल से लोग तुम पे आके रूल करते हैं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, तुम लोग तो बंदरों को पूछते हो, तुम लोग तो हाथियों को पूछते हो, तुम लोग तो सांपों को पूछते हो, तुम लोग सूरज और तारों को देखते हो, और ना जाने कितने भगवान है तुम लोगों के यहाँ, तुम्हारा सब कुछ खराब। धीरे 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 वो हमारे मनों में भरता चला गया। जब हम अपनी ही और उन्होंने रातों रात संस्कृत को खत्म कर दिया और एक एक्ट ले आए वेयर दे मेड इंग्लिश कंपलसरी। जब उन्होंने इंग्लिश कंपलसरी करी और रातों रात वो जो आप सोचिए कि अगर हमारे बच्चों को स्कूलों में कहा जाए कि कल से नो इंग्लिश नो हिंदी, तो आप सोचिए कि हमारे बच्चे किस हाल में घर आएंगे और हम क्या सोचेंगे, हमारा क्या होगा। रातों रात अगर हमारी कोई भाषा बदल दे, तो वही अंग्रेजों ने करा, एक एजुकेशन एक्ट लाके रातों रात इंग्लिश खत्म कर दी और फिर संस्कृत खत्म कर दी, हम पे इंग्लिश थोप दी गई, अपने तरीके से पैंट्स पहनना, अपने तरीके से कपड़े पहनना, उन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया कि हम सब अंग्रेजों को वहां देखें और हम सब अपने आप को यहाँ देखें और एकदम प्रिमिटिव समझे, हम अपने ही जड़ों से हिल जाएं। जब पूरी पॉपुलेशन अपने ही जड़ों से हिल जाती है ना, तो इसी तरीके का माहौल पैदा होता है जो आज हो रहा है। हमें हमारे पेरेंट्स नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें ही नहीं पता था, उनको उनके पेरेंट्स नहीं बता पाए, ये कितने जब से ये 150-200 सालों के रूल में होते 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 हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हमें अपने ही कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया, हमें ये बताया नहीं गया, सेक्युलर नाम देके एजुकेशन का हमें अपने ही कल्चर से दूर रखा गया। और जब कोई भी पॉपुलेशन, जब कोई भी कंट्री अपने ही रूट्स पे गर्व नहीं करती, जब कोई भी कंट्री अपने आपके कल्चर पे, अपनी वैल्यूज पे खड़ी नहीं ही रहती विथ प्राइड, तो हम कभी फ्लरिश नहीं कर सकते, हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने ही कल्चर के बारे में हमें पता होना। और फिर गलती रही हम लोगों की, जैसे हम लोगों ने बहुत कुछ और सीखा जो हमारे माँ बाप नहीं भी चाहते थे, तो हम अगर कोशिश करते तो हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में रिसर्च करके, सीख के, समझ के और अपने बच्चों को सिखा सकते थे, परंतु हमने भी वो नहीं करा। पर अब वो समय आ गया है जब हमें बैक टू आवर रूट्स जाना पड़ेगा। बैक टू आवर रूट्स जब हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि मनुष्य प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है, मनुष्य प्रकृति को साथ में रख के ही चल सकता है। एक छोटा सा वायरस ने हम सबको 3 महीने से 2.5 महीने तो हो ही चुके, 2 महीने हो गए, मैं घर में बैठा दिया और ना जाने कितना समय और। एक छोटे से वायरस ने पूरा जीवन हमारा तहस नहस कर दिया। और तब जब हम इन चीजों से पार कब पाएंगे, जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और जब हम समझेंगे। तो हमने बात करी श्रुति की जो सुनी गई थी, हमने बात करी स्मृति की जिसमें अलग अलग ग्रंथ आते हैं, फिर हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आते हैं दो, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हमारे देश की हिस्ट्री है, हमें अंग्रेज बता के चले गए ये माइथोलॉजी है, ये कुछ नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। परंतु हमारे वेद बताते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि इतिहास है, ये इतिहास है। हम अब भी अगर हम आज भी जाएंगे, हमें रामायण से कनेक्टेड जगह मिलती है। हम पंचवटी नासिक में स्थित है, अयोध्या है, जनकपुरी है, सारे लोकेशंस हैं, अभी भी राम की पूरी वंशावली है, अभी भी लिनियज ऑफ पीपल है जो राम को अपना फोर फादर मानते हैं। सिमिलरली महाभारत हमें बताया गया कि सब झूठ है, नहीं है, ये माइथोलॉजी है, ये आपकी सुनी सुनाई बातें हैं, परंतु माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी रियल है, माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है। अभी भी पानीपत है, अभी भी कुरुक्षेत्र है,
अभी भी सब कुछ है, अगर हम थोड़े से पेंस लें और समझना चाहें तो आप हमें देखिए कनॉट प्लेस जाने के दिल्ली में 10 रास्ते हैं, आप कोई भी अपना सकते हैं और कनॉट प्लेस पहुंच सकते हैं। सिमिलरली सनातन धर्म ने ये एस्टैब्लिश करा था कि आप में और उस परम ब्रह्म में कोई भी फर्क नहीं है, यही है उपनिषदों का ज्ञान, हाईएस्ट ज्ञान जो कोई भी रिलीजन कहीं भी वर्ल्ड ओवर नहीं बताता। सब जगह ये चलता है कि आप अलग हो और वो अलग है, परंतु उपनिषद ही है, वेद ही है जो कहते हैं आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आपको उस तक पहुंचने की प्रक्रिया पे चलना है, तब आप पाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। भगवान ना बोर हो रहे थे, तो भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, सर्वत्र सर्वव्यापी, वो बोर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं कुछ लीला करता हूँ। तो उन्होंने अपने ही जैसे और कई सारे बना दिए। अब वो कई सारे और कौन थे, वही थे, भगवान थे। वो उनसे खेल करने लगे, खेलते 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 ये सब लोग इतने बिजी हो गए अपने ही झमेलों में, अपनी ही चीजों में, अपनी ही दुनिया में, ये सब के सब भूल गए कि हम भगवान हैं। और भगवान यहाँ पे बैठे कहते हैं देखो मैंने तो इन लोगों को अपने खेल के लिए बनाया, अपना मन लगाने के लिए बनाया, और ये लोग तो न जाने किस उलझन में चले गए। यही हुआ है कुछ हम मनुष्यों के साथ, हम सब वही हैं, हम सब उसके ही हैं, परंतु हम सब भूल गए हैं। और ये जो जर्नी है तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषदों के महावाक्य हैं, वो चार महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, जो इस तरीके के जो उच्चारण करते हैं वो बताते हैं कि तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये उपनिषदों का हाईएस्ट ज्ञान है। ये उपनिषदों का ज्ञान, श्रुति और स्मृति का ज्ञान, वो दोनों को कंबाइन करने के लिए जो ये टेक्स्ट बनी है वो है भगवद गीता। भगवद गीता की बात जब करते हैं, एक बात और मैं समझाना चाहती हूँ जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, कि श्रीमद् भागवत पुराण है और भगवद गीता ये दो अलग चीजें हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में विष्णु जी के जल अवतार हैं, अलग 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 अवतार, और भगवद गीता एक भगवद गीता की स्थिति कहाँ पे है, भगवद गीता महाभारत 24-25 हजार श्लोकों की बहुत बड़ी बॉडी ऑफ वर्क में एक छोटे से चैप्टर भीष्म पर्व के अंदर भगवद गीता है, 701 श्लोकों की, सिर्फ और सिर्फ 701 श्लोक हैं भगवद गीता में। और श्री कृष्ण ने ये युद्ध भूमि के ऊपर, युद्ध भूमि में जहाँ पे एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, वहां पे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की स्थिति देखी कि अर्जुन सब कुछ छोड़ के और अब समर्पण करके और बिल्कुल बैठ गया है और कुछ करना नहीं चाहता, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय भगवद गीता का ज्ञान दिया था। भगवद गीता ना तो श्रुति है और ना स्मृति है, परंतु दोनों के बीच का एक तार है, सारे उपनिषदों और वेदों का सार है। और ये एक तरीका बताती है, एक पद्धति बताती है जिन पे चल के मनुष्य का विचार, मनुष्य का व्यवहार और मनुष्य की बोली कैसे होनी चाहिए। अगर आप इस शरीर से कहीं जाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और सिर्फ ऐसे ही पैदा होके मर नहीं जाना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जिस समाज में आप रहते हैं उन सबसे तालमेल बिठाना पड़ता है। जैसे उस पुराने पुरुष को इस संसार से, इस प्रकृति से तालमेल बैठाना पड़ा, उसी तरीके से आज के मनुष्य को जो समाज में रहता है हर एक से तालमेल बैठाना पड़ता है, चाहे वो उसका छोटा सा घर हो जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, चाहे वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी बड़ा वर्ल्ड हो। जिस भी स्टेज में मनुष्य अपने आप को पाता है या जिस भी स्टेज में मनुष्य पहुंचना चाहता है, उसे हर एक से तालमेल बैठाना पड़ेगा। तो तालमेल बैठाने का, अब इस लॉकडाउन के पीरियड में सब इतने परेशान हैं,
इस लॉकडाउन के पीरियड में सबको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने घर वालों को संभालें। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो जो सब उसके अपने थे सब उसके सर पे बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत परेशान हैं। तो इस समय विचार, वाणी और व्यवहार का जो तरीका है, किस तरीके से करना चाहिए, वो भगवद गीता में बताया गया है। शास्त्र वो होते हैं जो हर समय और हर काल में स्थित होते हैं, सच्चे होते हैं। ये नहीं कि आज कोरोना का पीरियड है तो आज एक नया शास्त्र चाहिए, कल खत्म हो जाएगा तो परसों एक नया शास्त्र चाहिए, ऐसे नहीं होता। इट्स वन बॉडी ऑफ वर्क जो हर समय वेदों, उपनिषद, भगवद गीता, ये हर समय के लिए, हर देश के लिए, हर काल के लिए, और इन सब में हिंदू का कोई जिक्र नहीं है। हिंदुइज्म नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू का जिक्र आया ही बाद में। जितने भी ये सारे देवी देवता बने हैं ना, ये सब भी वेदों में नहीं है, ये सब भी एड ऑन होते चले गए। देखिए, हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिन्हें पता है भगवान बनाने की पद्धति। हम भगवान बना लेते हैं मिट्टी से, हम भगवान बना लेते हैं पेड़ों को, हम भगवान बना लेते हैं पत्थरों को, पहाड़ों को, नदियों को। हम भगवान बनाते हैं मिट्टी के गणेश जी बनाए, उन्हें घर में लाया, उनकी पूजा करी और उन्हें वापस भेज दिया, है ना। हमारे देश में गॉड मेकिंग टेक्नोलॉजी है। जब ये टेक्नोलॉजी जिस देश के पास होती है ना, सिंगल एक कोई पर्सन नहीं है कि यहाँ पर ये करो, 10 चीजें करोगे, 10 कमांडमेंट्स, तो आप हेवन पहुंचोगे। हमारे यहाँ कभी कुछ रहा ही नहीं। आप खुले छूटे हुए हो। अगर आप करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो ठीक, पूजा करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो ठीक, आस्तिक हो तो बहुत बढ़िया, नास्तिक हो तो कोई भी बुराई नहीं। अगर आप ये करो, अगर आप वो करो, कोई पर्टिकुलर डे पर, कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी फ्री। एक ही घर में रह के कोई विष्णु की पूजा कर सकता है, कोई शिव की कर सकता है, कोई सिख बन सकता है, कोई कुछ फॉलो कर सकता है। ये सनातन धर्म ही वो कल्चर है जिससे जैनिज्म निकला, जिससे सिखिज्म निकला। गौतम बुद्ध भी यहीं के हैं, इसी कल्चर में से। हिंदुस्तान को, एंशियंट इंडिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बताया गया है। सब रिलीजन की धारा यहाँ से निकली। हम सबको अपने में समा लेते हैं। जब ये पारसी आए थे ना, कहते हैं कि ये पारसियों की शिप सूरत में लैंड करी, और पारसियों को जब वहां के राजा ने अंदर आने से मना करा और उनको उन्होंने भेजा, एक लोटा भेजा जिसमें दूध नकानक ऊपर तक भरा हुआ था, तो कहते हैं कि पारसियों ने ना उसमें चीनी डाल के वापस भेज दी कि जैसे दूध में चीनी रहती है, वैसे हम भी आपके साथ इस देश में रहना चाहते हैं। तो तब पारसियों को हमारे ही देश ने स्वीकारा। यहूदियों को, ज्यूज को, जब हर जगह उन लोगों के साथ वो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तब हमारा देश था। क्यों? और हमने उनको ये नहीं कहा, हमने पारसियों को ये नहीं कहा कि आप हमारे जैसे बनो, हमने ज्यूज को नहीं कहा कि आप हमारे जैसे बनो। हमारे कल्चर में बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश था, हर एक का तरीका अलग अलग पर है सब एक। मेरे हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग पर है एक। हमें सबको बहुत क्लियरली पता था। और जब अगर कोई नेशन, कोई कल्चर इस तरीके की पद्धति पे चलता है, और जो नेचर लवर हो, जो प्रकृति से प्यार करता हो, जो प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करता, जो विनाश नहीं करता प्रकृति का, वो ही सक्सेसफुल हो सकता है लॉन्ग रन में। और अगर हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे और अपने ऊपर गर्व नहीं करेंगे, अपने शास्त्रों के ऊपर और अपनी चीजों पे, और गर्व कैसे करेंगे, पेन्स लेके, जिस तरीके के हमने बीए एमए की पढ़ाई करी उसी तरीके से आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन जाके। आप कोई भी टेक्स्ट को अगर आप करें, आप उस पर पढ़ने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, लेक्चर सीरीज चलती है, बहुत कुछ ऐसा होता है, पर करने वाला चाहिए। अपनी चीजों पे खरा उतरने के लिए, जैसे कि सागर में मोती अगर निकालने हो तो जाने वाला चाहिए, उसके अंदर
डुबकी मार के निकालने वाला चाहिए, और वो धृति किसको लानी पड़ेगी? आपको। जीवन किसका? आपका। करना किसको होगा? आपको। तो यही हमारे लेक्चर सीरीज का हमेशा रहा है। जब विवेकानंद यहाँ से गए थे हिंदुस्तान से अमेरिका 1890s में, तब उन्होंने कहा था कि हमारा देश हाईएस्ट उसके ऊपर था, परंतु हम सिर्फ हाई करते रह गए। हमने उसको पकड़ा नहीं, हमने उन चीजों पे चला नहीं, हमने अपने अंदर से वो शक्ति नहीं उजागर करी कि अपने ही चीजों को, अपने ही धरोहर को हम समझें, और हम समझें, हम अपनाएं, उस जीवन जीने की शैली पे चलें और अपने बच्चों को वो दें। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारा जीवन है, और बहुत जल्दी चुटकी बजाते बजाते जीवन खत्म, और फिर हम सोचते हैं क्या हासिल करा और क्या पाया, और पता लगा हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। अभी भी समय नहीं बिगड़ा। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानिए, समझिए। बहुत कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, करने वाला चाहिए। अपनी ही सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पे गर्व करिए, उसे समझिए, और वो समझ के जब हम जीवन जीते हैं सशक्ति से, तब एक उत्साह और उमंग हमारे अंदर होता है। और जब हम जीवन ढंग से जीते हैं, विद डिसिप्लिन, विद कमिटमेंट, विद डेडिकेशन, देन वी बिकम विनर्स ऑफ आवर लाइफ। एंड नाउ आई विल ओपन दिस सेशन to the people who may have any questions. Yes, all yours. Okay, now I have questions here. I look into the chat box. आपको मैं unmute करूँ? Please advise if I can join classes of Vedas. Of course, you can join classes of Vedas. I've been doing a study of the Vedas and Upanishads for the last 27 years. Vedanta Academy हमारा है, जहाँ से हम लोग classes करते हैं. और वेदांता एकेडमी के अलावा चिन्मय मिशन में रेगुलरली क्लासेस होती हैं, और रेगुलर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको अपने घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। करने का लगन चाहिए आपको। इफ यू वांट, विच वन अमंग द वेदास? देखिए, कोई भी अगर पूछता है ना कि हम वेद पढ़ें और कौन सी पढ़ें, इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन। Why I'll tell you, वेद is a huge body of work. अगर आप पढ़ना भी चाहोगे ना, आप कभी नहीं पढ़ सकते। और वेद बटा हुआ है ज्ञान कांड में और कर्म कांड में। कर्म कांड का आप करोगे क्या? आपको पुरोहित बनना है। अगर आपको पुरोहित बनना है और आपको अलग अलग यजमानों के अलग अलग रिचुअल्स करने हैं, जो आपको पता है जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, अभी भी हजारों साल के बाद हमारी विवाह जो पद्धति होती है, विवाह संस्कार में ऋग्वेद के ही मंत्र बोले जाते हैं। तो अगर आप पुरोहित बनना चाहते हो तो आप वेद पढ़ो उस दृष्टि से। अगर आप अपने धर्म को, अगर आप अपने रिलीजन को समझने के लिए करना चाहते हो, आप उपनिषदों का अध्ययन करो। और उससे बेटर मैं सबको ये समझाना, ऑलवेज आई टेल एवरीवन, जो मेरी टीचर्स ने हमें कहा था कि भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू करो। भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने बताया है किस तरीके से हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा ये विचार, वाणी, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ज्ञान योग से और कर्म योग से और भक्ति योग से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और कैसे, है ना? सो आई एम जस्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस। ओके, सो इट्स मेनली अबाउट वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सी, देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज सुनना हमें अच्छा लगता है, परंतु जीवन में कोई चेंज नहीं आता अगर आप उसे अपने अंदर उतार के और ग्रहण करके उस पे चले नहीं। सेशंस इन्यूमरेबल है, आप अटेंड करते चले जाएं, एक के बाद एक के बाद, कुछ भी जीवन में नहीं बदलेगा। पता लगा कि 2019 जैसा था, 2020 भी आपका वैसा ही निकल गया, और 2021 भी वैसा ही निकल जाएगा। तो करना क्या होगा? डिसीजन लेके उस चीज पे चलना होगा। अगर सपोज आज आप इस सेशन से ये समझ जाएं कि हमारे शास्त्र हमें पढ़ना कितना जरूरी है,
तो कल की सुबह या आज शाम को आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि आप कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और वो कैसे पढ़ेंगे, नहीं तो आज का सेशन भी वन ऑफ द सेशंस हो जाएगा। 48 हो चुके, आज का 48th है, कुछ और हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब आप करोगे। सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, परंतु सुनना फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमारी धरोहर क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना। अच्छा, प्लीज अनम्यूट मी। ओके, अनम्यूटिंग यू। एक्चुअली अंजू, द थिंग इज आई डोंट हैव एनी को-होस्टेस टुडे, बट आई एम अनम्यूटिंग यू। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अंजू, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आर यू एबल टू? पहले मैं करती हूँ, बिल्कुल मेरे को दिख नहीं रही हो तुम। दिख गई। हाँ जी अंजू, आई हैव अनम्यूटेड यू। नहीं हो रही। हाँ अंजू, आई हैव अनम्यूटेड यू, गो अहेड प्लीज। री अगर, थैंक्स यू वेरी मच। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस सेशन रियली, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द वेदास, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वेदा हमारे लिए आजकल की परिस्थितियों में, और जो थोड़ा सा जिसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, तो किस चीज से स्टार्ट करें हम? हाँ, तो मैंने अभी बता दिया इसका आंसर है। जो वेदों को नहीं पढ़ सकते, वेदों को पढ़ने आप पढ़ भी नहीं सकते। जो हम पढ़ते हैं वो हम वेदांत की स्टडी करते हैं। तो वेदांत में उपनिषद आता है और भगवत गीता आती है, विवेक चूड़ामणि आते हैं, और ये अलग 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 शास्त्र आते हैं इसमें, है ना। तो आप कोई ऐसे क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकती हैं। आप उपनिषद की स्टडी भी स्टार्ट करने से पहले भगवत गीता पढ़िए, तो वो मैंने पढ़ी है, रहता है। और भगवत गीता चिन्मय मिशन की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसमें जरूर पढ़े। You suggest Chinmay Mission और Vedanta Academy, right? हाँ, Chinmay Mission, Vedanta Academy, और ये तो है ही जो regular, Chinmay Mission का course बहुत structured है। आप जब जाएंगी उसके ऊपर online करेंगी, तो आपको systematically step by step, और आप घर बैठ के exams भी दे सकती हो। और exams किसके लिए? खुद के लिए, किसी और के लिए तो है नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं हमारे ही लिए है, है ना, किसी और के लिए नहीं। तो करिए, और अगर आप इस पे चलेंगी, तब आप देखोगे कि आपके बच्चों में और आपके घर में कितना चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप में चेंज आने लग जाता है ना, वातावरण वैसे ही बदल जाता है। अच्छा, गीता नैयर आल्सो वांट्स टू नो। गीता, यू हैव अ क्वेश्चन? आई एम अनम्यूटिंग यू, गिव मी अ सेकंड। आई एम वेरी हैप्पी माय फादर इज अटेंडिंग दिस क्लास, द सेशन टुडे। थैंक यू डैडी, आई विल अनम्यूट यू आफ्टर सम टाइम। इट्स नाइस ना व्हेन यू सी योर फादर अटेंडिंग अ सेशन। Geeta Nair, I'm trying to unmute you. I'm unable to find you, Geeta. Okay, yeah. Yes, Geeta, please go ahead. No, one second. Geeta, आपने, हाँ, Geeta, go ahead, please. Geeta. कर लिया मैंने, कर लिया, अब कर लिया. हाँ जी. अब beautiful. मैं पता है, थोड़े दिनों से I was thinking on this subject only, कि I want to read Vedas. Then I read in our Devdithi ki you are going to give a talk on this. So it's so nice. But ab wahi join karne ke liye Chinmaya usme join karna pad, we should join. You should go on the Chinmaya website. And once you go on the website, Chinmaya mein bahut alag alag topics pe bahut sare lecture series chal rahi hoti hai. चिन्मय मिशन लोधी गार्डन्स में है। पहले तो हम वहां जाके फिजिकली बैठते थे, पर अब माहौल बदल गया है, तो आप ऑनलाइन करो। अलग अलग बहुत सारे टेक्स्ट है, पर शुरुआत के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट भगवत गीता। तो स्टार्टिंग जर्नी से, व्हेन आई स्टार्टेड 27 इयर्स अगो, आई स्टार्टेड विद भगवत गीता, एंड टिल डेट आई एम अ स्टूडेंट 27 सालों से। क्योंकि ये इस तरीके का वर्क है कि आप जितना जाएंगे इसमें, जितना रस आपको आता चला जाएगा, उतना आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी। तो यही होता है। तो आप भगवत गीता से शुरू करें, फिर जब आप उनके संपर्क में रहेंगे, आपको अलग अलग उपनिषद, अलग अलग चीजों की लेक्चर सीरीज शुरू होती दिखेगी। एक बार आप शुरू करने के लिए, अगर हमें जेड पे पहुंचना है, हमें एबीसी चलना पड़ेगा ना, तो एबीसी पे पहले चलेंगे तो तब हम पहुंच जाएंगे। और इन चीजों से घबराना नहीं है कि इतना सारा है मैं कैसे करूंगी। अगर हम चलना शुरू कर देते हैं ना, पहले स्टेप लेने की बात होती है। और पहला स्टेप तब होता है जब हम डिसीजन लेके और वो स्टेप ले लेते हैं। और जो लोग एक्शन नहीं लेते, मैं फिर दोहरा रही हूँ, उनके जीवन में कुछ नहीं बदले।
ये सिर्फ एक और चीज है जो आप सुन लोगे और भूल जाओगे, अपने जीवन में चले जाओगे और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा. ऐसे ही सेशंस अटेंड करते रह जाओगे. सेशंस अटेंड करना अच्छी बात है, पर हमारा जीवन हमें हाथ में लेके, छोटा सा हम सबको मिला है और ना जाने कितना बचा है ना. हमें किसी को नहीं पता. पॉइंट ए हम सबको पता था जब हम पैदा हुए, पॉइंट बी किसी को नहीं पता है ना. जो हमें जाए. अच्छा अंजू कह रही है इवन माय पेरेंट्स आर अटेंडिंग. थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच. ये जो आपने अभी सेशन दिया है, इज इट, आई वेंट ऑन यूट्यूब. यस. तो जैसे कल या परसों का योजना का सेशन मेरे से मिस हो गया था. वी विल बी पुटिंग ऑन यूट्यूब, डोंट वरी. बट द सेशन, या बिल्कुल नहीं डालेंगे अभी. सेशंस हैव बीन हैपनिंग बैक टू बैक. हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम उस चीज को कर सके. अब मैं अंजू गोयल से करवाऊंगी. अंजू पंकज अब ये मेरा काम करेंगे धीरे धीरे. अंजू अच्छा मैं अपने फादर को एक मिनट लाती हूँ. इट इज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड. मेरे फादर अटेंड कर रहे हैं और वो शायद चले गए. वो डर गए कि मैं उनको ले आऊंगी. वेरी नाइस. अच्छा आई एम नॉट एबल टू सी हिम. ओके अंजू इज योर फादर हियर. लवीना कुछ कहना चाहती हो? एक मिनट कर रही हूँ अनम्यूट. Thank you so much. Really good. Really good. Most welcome, Geeta. Most welcome. Lavina, मैं तुमको अनम्यूट कर रही हूँ. तुम्हें कुछ कहना है? अच्छा, डैडी इज हियर. डैडी आर यू एबल टू हियर मी? बट आई एम अनएबल टू अनम्यूट हिम. एट टाइम्स ना ये लेता नहीं है. लवीना तुम अनम्यूट हो. हाँ जी लवीना कुछ कह रहे हो? मैं कह रही थी आपके डैडी हैं. मुझे दिख रहे थे. है अंकल. मैं मुझे नहीं दिखे. चलो ठीक है मैं उनको करती हूँ. ओके लवीना. डैडी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? डैडी आई एम ट्राइंग टू. ओके यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड. प्लीज गो अहेड डैडी. ओके आई कांट सी यू. आई कांट सी एनीवन नाउ. ओके डजंट मैटर. आप बात करिए. यू विल बी वेल एनी हाउ यू नो इट वाज रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड माय ऑल द Best wishes are with you. Thank you. It was really very interesting. Thank you, Daddy. Thank you. आपका video off हो गया है, Daddy. अगर आप on करेंगे तो हो जाएगा. अब video on करिए अपना. Video आप on नहीं कर पा रहे. आप करेंगे तो आपका video on हो जाएगा. हो गया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द सेशन डैडी. इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड व्हेन जब आपके फादर आते हैं आपके सेशन में. अच्छा डैडी आप खुल गया आपका वीडियो. हाँ जी अब आप म्यूट हो गए क्या? अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ. टेक्नोलॉजी एंड इट्स डैडी आप अपने आप को अनम्यूट करिए. शायद आपने आपको म्यूट करके वीडियो ऑन कर. हाँ आप बोलिए डैडी. I said it has been really very very interesting. Unbelievable. Keep it up and thank you so much. All the best. Thank you. And to everybody. Okay. Thank you. Abha ji, main aapko unmute kar rahi hu. Abha ji? Yes. And ji Abha ji. Yes, thank you so much Sapna. This was a topic after my heart. I don't know if you know it or not because I'm also walking on the same path. So it was something I really wanted to attend. And thank you so much for highlighting so much of our history and culture, hamari sabhyata, hamari sanskriti, jo hum waqai har shan bhulte ja rahe hain. To hame us sab hum sabko milke usse jod ke rakhna hai. Hum sabko attempt karna hai. तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. थैंक यू सो मच आभा जी. आप बड़ों का आशीर्वाद है और जो कुछ कर पाए गुरुओं के जो निमित्त बन के बार बार हमारे शास्त्र बताते हैं. आप सिर्फ निमित्त हो. आपके थ्रू ये काम हो रहा है. अगर आप नहीं तो कोई और कर लेगा है ना. तो जब हम निमित्त बनते चले जाते हैं और हम जब हम लार्जर सोचते हैं और आज के सेशन से भी अगर हम कोई भी पॉइंट टेक अवे पॉइंट ये है अपने सभ्यता और संस्कृति पे हम गर्व करें. हम अपने विचार वाणी और व्यवहार के ऊपर संयम रखें. हमारी बोली ऐसी हो जो दूसरों को मधुर लगे,
दूसरों की प्रशंसा करे, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए और हमारे विचार हो हमसे अलहदा दूसरों के लिए और हमारा व्यवहार सबको प्रसन्नता देने के लिए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपना खंडेलवाल अपनी वाणी पे विराम देती हूँ और कल का सेशन मत भूलिएगा। और सैटरडे का सेशन बहुत स्पेशल है, 50 सेशंस देवगति फाउंडेशन के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में कंप्लीट सैटरडे को हो रहे हैं। देखते देखते हम 50th सेशन पे पहुंच गए, तो सैटरडे को बहुत स्पेशल एक सेशन आपके लिए ला रहे हैं। और कल की स्पीकर भी बहुत गजब की हैं और हर थर्सडेज को तो मैं हाजिर होती हूँ आपकी अपनी सपना। नमस्कार, थैंक यू एवरीबडी। आप लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। थैंक यू वेरी मच।